दोस्तों आज भारतवर्ष में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिसके लिए नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन नए एक्सप्रेसवे के बारे में हम अक्सर अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि भारत के हर हिस्से में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या फिर वेस्ट इंडिया। विकास का कारनामा ये है कि आज भारत के हर छोटे बड़े शहर रोड्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास बनने वाले टॉप 10 नए एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। इनका रूट क्या है, किन शहरों को जोड़ रहे हैं, कब तक कंप्लीट होंगे और सबसे बड़ी बात, इनसे दिल्ली और दूसरे राज्यों को कितना फायदा मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में आई लव दिल्ली जरूर लिखें। नंबर 10 जेवर लिंग एक्सप्रेसवे। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को IGI एयरपोर्ट दिल्ली व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए इस नए लिंक रोड को डेवलप किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत हैम यानी कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ये एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसे NHAI द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 32.5 किलोमीटर होगी, जिसमें से 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में जबकि 8.5 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, इस लिंक एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा, जहां NHAI द्वारा इंटरचेंज से नोएडा एयरपोर्ट के एंट्री गेट तक 750 मीटर लंबे रोड्स का निर्माण भी किया जाएगा। इस लिंक रोड के लिए जमीन अधिग्रहण पर 260 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अब इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है, जिससे 2 साल में कम्प्लीट कर लिया जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से जेवर क्षेत्र के विकास की गति तेज होगी। इसके साथ ही हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर में आवाजाही आसान हो सकेगी। नंबर 9 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए इस नए एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। इसके बनने से न सिर्फ दिल्ली से देहरादून का सफर 2 से 2.5 घंटे में होगा, बल्कि कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार का सफर भी 90 मिनट में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 212 किलोमीटर। ये एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे 72A नाम से भी जाना जाता है और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 3 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी घास, मंडोला बागपत के खेकड़ा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से शामली और फिर सहारनपुर होते हुए देहरादून में जाकर अपना सफर पूरा करेगा। ये एक्सप्रेसवे 4 फेज में डिवाइड है, जिसमें एलिवेटेड रोड्स, टनल्स और एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का लगभग 75% वर्क कंप्लीट है और बचे हुए काम को दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करके अगले साल 2024 तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नंबर 8 द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे नदन पेरीफेरल एक्सप्रेसवे या NH 248 BB के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्सप्रेसवे करीब 29 किलोमीटर लंबा 8-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में डेवलप किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होकर द्वारका सेक्टर 21 से होते हुए गुरुग्राम बॉर्डर को टच करते हुए खेर की दोला में एंड होगा। इसका बजट 9,000 करोड़ रुपए है। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेसवे द्वारका से साउथ दिल्ली के कई हिस्सों को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, जहां इसका कंस्ट्रक्शन जे कुमार और LNT द्वारा किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने से गुरुग्राम में रियल इस्टेट कंपनी को फायदा मिलने वाला है, साथ ही इससे दिल्ली की हवा में सुधार होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज होंगे। इसके अलावा प्रमुख जंक्शनों पर टनल और अंडरपास, 8 ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन में देश की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर और सबसे चौड़ी यानी कि 8 लेन वाली शहरी सड़क सुरंग का निर्माण भी शामिल है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसे 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 7 दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से जयपुर के बीच एक नए एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रही है, जिसे दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। नया एक्सप्रेसवे दिल्ली से जयपुर के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक 8-लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 16 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे या NH 352B
ये एक्सप्रेस वे गुड़गांव में खेरकी दोला टोल प्लाजा के पास से शुरू होकर 7 जिलों से गुजरते हुए जयपुर में चंदवाजी के पास एंड होता है। इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे की लंबाई है 195 किलोमीटर। ये हरियाणा में गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, जबकि राजस्थान में अलवर, सिकार और जयपुर के कुल 423 गांव से होकर गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NHAI इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 4,340 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर चुकी है और इस एक्सप्रेस वे की एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,530 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल NHAI इस एक्सप्रेस वे के मेन स्ट्रेच पर अर्थ वर्क शुरू कर चुकी है और इस एक्सप्रेस वे को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर दोस्तों, एक्सप्रेस वे के कम्प्लीट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 6, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेस वे। दोस्तों, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेस वे, जिसे FNG एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है जिसे 8-लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है 56 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे हरियाणा में फरीदाबाद को नोएडा और गाजियाबाद से कनेक्ट कर रहा है। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेस वे फरीदाबाद से गाजियाबाद जाने में ट्रेवल टाइम को 30 मिनट तक कम करेगा। इस एक्सप्रेस वे का 20 किलोमीटर का हिस्सा नोएडा ग्रेटर नोएडा रीजन में, 8 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद में और बचा हुआ 28 किलोमीटर का हिस्सा फरीदाबाद रीजन में आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा साइड में ये एक्सप्रेस वे 14 महीने बाद ऑपरेशन हो जाएगा, जबकि पूरी तरह से ऑपरेशन होने में से 3 साल का समय लगेगा। नंबर 5, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है, जो एक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। इसे 8-लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉम्बिनेशन वाला ये एक्सप्रेस वे भारत के 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी देता है। इसकी टोटल लेंथ 670 किलोमीटर है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 588 किलोमीटर की, जबकि दिल्ली से अमृतसर की दूरी 405 किलोमीटर की रह जाएगी। ये एक्सप्रेस वे दिल्ली में बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास जसोर खीरी गांव से शुरू होकर अमृतसर पंजाब में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। इस एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन 2 फेज में होना है, जिसमें पहले फेज का कंस्ट्रक्शन 15 पैकेज में डिवाइड है, जो पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड होगा। वहीं फेज 2 का कंस्ट्रक्शन 5 पैकेज में डिवाइड है, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का मिक्सअप होगा। इस एक्सप्रेस वे में ट्रामा सेंटर, फूड पॉइंट, एम्बुलेंस, बस बे और एंटरटेनमेंट पॉइंट जैसी फैसिलिटी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दूं, इस एक्सप्रेस वे की DPR कंप्लीट हुई साल 2019 में, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 2020 में और 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसे अक्टूबर 2023 तक खोलने की बात कही थी। नंबर 4, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे। दोस्तों, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली में मुकरवा चौक से शुरू होकर पानीपत में एंड होता है, इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 70 किलोमीटर है और इस पर कुल खर्च 2200 करोड़ आने का अनुमान है। इस एक्सप्रेस वे में 29 माइनर ब्रिज, 10 फ्लाईओवर्स, 5 व्हीकलर अंडरपास, 5 पैसेंजर अंडरपास आदि बनाए जाएंगे। NHAI द्वारा बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेस वे का लगभग 97% वर्क कंप्लीट है, जबकि जो पेंडिंग वर्क बचा है अभी उस पर काम जारी है, जिसमें फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जहां एस्फाल्ट की लेयर डालने का काम चल रहा है और अब से कुछ ही महीनों बाद ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पर उससे पहले कमेंट में दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह का नाम जरूर लिखें। नंबर 3, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। दोस्तों, दिल्ली को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि शहरी विस्तार रोड 2 का निर्माण हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस एक्सप्रेस वे के जरिए एक ऐसा रोड नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जिससे दिल्ली NCR के थमे हुए ट्रैफिक को रफ्तार मिल सके। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निर्माण 5 पैकेज में डिवाइड है, जिसकी टोटल लेंथ 75.71 किलोमीटर है। इसके पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 को NH 344M नाम दिया गया। ये एक 10-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है, जिसमें से 6-लेन का मेन एक्सप्रेस वे जबकि 4-लेन का सर्विस रोड है। ये एक्सप्रेस वे अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 से शुरू होता है, इसके बाद रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर महिपालपुर के पास NH 48 पर एंड होता है। इसका मेन रूट दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में एक सेमी सर्कल बनाता है। इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 2 स्पर्श भी हैं, इसमें से एक उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 29.6 किलोमीटर लंबाई का 4-लेन बवाना सोनीपत स्पर्श बनाया जाएगा, जबकि दूसरा 7.3 किलोमीटर लंबाई का पश्चिमी दिल्ली में 4-लेन नजफगढ़ बहादुरगढ़ स्पर बनाया जाएगा।
दिल्ली के इस एक्सप्रेस वे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7,716 करोड़ रुपए है। ये हाईवे NH-44, NH-10 और NH-48 को जोड़ रहा है। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड की मदद से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, यातायात और उससे जुड़ी दूसरी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का लगभग 65% वर्क कंप्लीट है, जबकि बाकी का काम पूरा करके सितंबर 2023 में उद्घाटन करने का प्लान है। नंबर 2, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जो इंडिया के वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है। ये 82 किलोमीटर लंबा 6-40 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली में निजामुद्दीन ब्रिज को प्रतापपुर में मेरठ बाईपास से जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मिक्सअप है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए साल 2014 में मंजूरी मिली थी और पीएम मोदी द्वारा साल 2015 में इसकी आधारशिला भी रखी गई। इस एक्सप्रेसवे की लागत 8,340 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का उद्घाटन साल 2018 में और पैकेज 3 का उद्घाटन साल 2019 में हुआ था, जबकि पैकेज 2 और पैकेज 4 का उद्घाटन 1 अप्रैल 2021 को हुआ, जिसमें अंडरपास और रेल ओवर ब्रिज का काम पेंडिंग है। फिलहाल इसका आखिरी पैकेज साल 2021 में फॉर्मली ओपन हो चुका था और अब इसके पैकेज 5 का काम चल रहा है, जो जैनुद्दीनपुर से लेकर जाहिदपुर तक एक कनेक्टर के रूप में काम करेगा। इसकी लंबाई 14.6 किलोमीटर है और ये एक 4-लेन हाईवे होगा। NHAI द्वारा इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 524 करोड़ बताई जा रही है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है, जो देश के दो सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों यानी कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे विश्व स्तर पर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसे लोड बढ़ने पर 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट कर रही है। ये पूरा एक्सप्रेसवे कुल 52 पैकेज में डिवाइड है, जिसमें 4 सेक्शन आते हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कुल 6 राज्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा सोना दोसा लालसोट वाला सेक्शन ऑपरेशनल हो चुका है, जबकि बाकी का काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एक्सप्रेसवे में ATM, होटल्स, फूड कोर्ट, ट्रामा सेंटर आदि की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और पहली बार हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की भी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली और दिल्ली के आसपास बनने वाले 10 एक्सप्रेसवे। इनमें से किस एक्सप्रेसवे का आपको इंतजार है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।